नंदनी कुक में आपका स्वागत है। आज हम मसाला काजू बना रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बड़ा बाउल लिए हैं, उसमें हम एक कटोरी मैदा डालेंगे। उसके बाद हम 2 चम्मच के करीब इसमें सूजी डाल देते हैं, ताकि ये काजू कुरकुरा रहे। अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से हाथ से क्रश करके डालते हैं, अजवाइन से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालना है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसमें पानी डालकर इसका नरम डो तैयार कर लेते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है। देखिए हमारा डो रेडी हो गया है और ये सॉफ्ट है, तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं साइड में। आटा को रखे हुए मेरा 10 मिनट हो गया है, तो हम इसे अच्छी तरह से मसल लेते हैं। तो देखिए हमारा आटा रेडी हो गया है। अब हमें इसे बेल लेना है, तो हम इसे 2 भाग में पहले बांट लेते हैं। इसी तरह से इसे पतला बेल लेना है। अब हम एक ढक्कन लेते हैं, उससे इसे इस तरह से काट देंगे। हमें इसी तरह से बाकी भी काट लेना है। हमने इस तरह से काजू काट लिया है, अब हमें बाकी सबको भी काट लेना है। मैंने इस तरह से काजू काट लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम ऑयल गर्म करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें ये कटा हुआ काजू डालते हैं। अब हम इसे मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। हमें इसे बीच में इस तरह से चलाते रहना है, ताकि ये जले नहीं। काजू हमारा गोल्डन हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसी तरह से दूसरा बैच भी डालेंगे। मैंने काजू को फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें मसाला डालेंगे। थोड़ा सा चिल्ली पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद ये रोस्टेड जीरा पाउडर है। उसके बाद खट्टे के लिए आप आमचूर डालें या फिर चाट मसाला। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
हमारा मसाला काजू रेडी है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।